नमस्कार, सिर्फ पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ अपने बयानों को लेकर के हमेशा चर्चा में रहने वाले भागलपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। जी हां, आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को लेकर के विवादित बयान देने को लेकर के जदयू ने उन पर सख्ती का मूड बना लिया है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि गोपाल मंडल पर कार्रवाई की जाएगी। कुशवाहा ने कहा है कि पार्टी से बढ़कर कोई नहीं है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। इधर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि अपने नेताओं को अनुशासन में रखना जदयू की जिम्मेदारी है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। उन्होंने कहा कि जदयू विधायक गोपाल मंडल ने जो भी बयान दिया है वह नेतृत्व के संज्ञान में आ चुका है, उनसे स्पष्टीकरण किया जाएगा, उचित जवाब नहीं मिलने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। उमेश कुशवाहा ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण वे कार्यालय नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब वे ठीक है, अब कार्यालय आ रहे हैं और अब इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जदयू विधायक गोपाल मंडल पर कार्रवाई भी करेंगे। तो उमेश कुशवाहा जो कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, मालूम हो कि गोपाल मंडल हमेशा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। कई बार तो वे ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे जदयू के लिए भी असमंजस की स्थिति हो जाती है। पिछले दिनों एक जमीन विवाद मामले में लोगों ने जब विधायक को घेर लिया था तब उन्होंने कहा था कि उनके पास हमेशा रिवॉल्वर रहता है। जी हाँ, तो गोपाल मंडल पिछले दिनों विवादित बयान देते नजर आए कि उनके पास रिवॉल्वर रहता है। जब उनको लोगों ने घेरा तब यह बात वे कहते नजर आए, और आज जब फिर से सुर्खियों में हैं तब उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। जी हाँ, गोपाल मंडल ने साफ साफ बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है, पिछले दिनों एक जमीन विवाद मामले में लोगों ने जब विधायक को घेर लिया था तो उन्होंने कहा था कि उनके पास हमेशा रिवॉल्वर रहता है, वो भाजपा नेताओं पर भी लगातार शब्द बाण चलाते रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने डिप्टी सीएम पर वसूली का आरोप लगा दिया था। इसके अलावा भी कई आरोप लगाए थे, बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी को लेकर के भी उन्होंने विवादित बयान दिया था। सम्राट चौधरी ने भी विधायक पर करारा पलटवार उसके बाद किया था। तो गोपाल मंडल लगातार अपने बयानों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं और इस बार उनको डिप्टी सीएम पर आरोप लगाना भारी पड़ गया है। जदयू की तरफ से गोपाल मंडल पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो